डेली लाइफ पे बेस है, क्योंकि आप जो है क्या कहते हैं बिजली का बिल अगर हम आपसे कहें कि आपको निकालना आता है नहीं आता है, तो अगर नहीं आता है तो आप इस न्यूमेरिकल की सीखने के बाद आप अपने घर का बिजली का बिल अपने पिताजी को निकाल के दे सकते हैं। पिताजी भी कहेंगे कि बच्चे ने कुछ सीखा तो ये बिजली का बिल निकालना भी सीख लिए और ये न्यूमेरिकल भी सीख लिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बोर्ड में आ सकता है। अब से हर बार आप लोग बिजली का बिल कैलकुलेट करके दिए, रोना धोना बंद करिए, बिजली का बिल बहुत आता है, फिर आप कहेंगे ठीक है चलिए। अच्छा बकवास कम है। 5 बल्ब हैं, क्या क्वेश्चन है कि 5 बल्ब आपके घर में लगे हैं 220 वोल्ट के और जिसका पावर कितना है 100 वाट का बल्ब है ना, और कितनी देर लाइटेड मैंने जलते हैं कितने घंटे 8 घंटे, कितने दिन हर दिन यानी एक दिन में ए डे यानी कि एक दिन में कितने देर जलते हैं हर दिन 8 घंटे तक जलते हैं। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज, कि अगर 30 दिन तक वो जो है जलते रहें तो क्या होगा। 30 दिन तक वही बल्ब हर दिन 8 घंटे वो बल्ब 30 दिन तक जलते रहें तो कितना बिल आएगा, या कह लें रेट ऑफ एनर्जी, हाँ कितना बिल आएगा, और रेट ऑफ एनर्जी इज़ ₹2 पर यूनिट, यानी कि 1 यूनिट ₹2 की है। ठीक है, आजकल तो 1 यूनिट से 7-8 रुपये की है ना, पता करिएगा अपने पिताजी से। ठीक है, नहीं इतनी महंगी नहीं होगी, कम ही होगी, आओ टाइम को हम तो ऑनलाइन जमा कर देते हैं गूगल पे से, देखते ही नहीं है, हालांकि पता है कैसे निकालते हैं बिल, आगे देखते हैं चलिए। कंज्यूम्ड यूनिट, तो आप ये फार्मूला याद रखिए, अपने घर में आप लगाइएगा यही फार्मूला, पहले आप अपने घर में बल्ब गिनिएगा भाई कितने बल्ब हैं। तो हमने देखा अपने यहाँ तो 5 बल्ब है, अब आप अपने घर में देखिएगा बल्ब रॉड, लेकिन आपको शर्त है कि उस पर पता होना चाहिए कितने वोल्ट का है ना, तो ये तो बता दिए कि 100 वाट का बल्ब है, तो ये नंबर इनटू वाट जो जो चीज़ें इसमें हैं वही चीज़ मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, कितनी देर तक जलते हैं यानी कि घंटे की बात हो रही है आर, और कितने दिन तक जलते हैं 30 दिन डेज, यानी कि कितने बल्ब हैं कितने वाट के हैं और कितने घंटे जलते हैं और कितने दिन तक जलते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे जो दिया होगा और नीचे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात, 1000 से डिवाइड कर देंगे, बस ये याद रखना है, अपने आप न्यूमेरिकल आप समझ जाएंगे। तो या तो ये फार्मूला याद रखिए, नंबर इंटू वाट इंटू आवर इंटू डेज। ठीक है, अगर दिन की बात हो रही है, अगर कहते कि एक ही दिन चलता है तो ये डेज हटा दे, मतलब एक ही दिन चलता है तो day 1 हो जाता है 1, तभी डेज लिखते ही। ठीक है, तो हमने ये सब लिखा, अब हमने देखा नंबर की वैल्यू कितने है, कितने बल्ब हैं 5, ठीक, कितने वाट के हैं 100 वाट के, तो 100 वाट के, कितने घंटे चलते हैं 8 घंटे, तो 8 घंटे, कितने दिन तक चलते हैं 30 दिन तक, तो 30 दिन तक अपॉन 1000 है, नीचे 1000 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कैसे करना है देखिए आसानी है, क्योंकि नीचे 1000 है तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कटा, या जीरो से ये जीरो कटा, नीचे 1 बचा, 1 के नीचे से कोई वैल्यू नहीं होती, 1 नीचे गायब कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपके तो ऊपर क्या बचा 5 बचा, ऊपर ये 1 बचा 5 1 5, ठीक है, और ऊपर 8 बचा और 3 8 3 24, पहले 5 बचा है फिर, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया भाई, हमारे पास क्या बचा है 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 बचा था इंटू 8 बचा था और 3 बचा था 8 इंटू 3, तो ये 5 1 5 8 3 24, 24 5 120 होता है, कैसे 24 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 4 20 0, 5 2 10 10 2 12, ठीक है 120 हो गया। ठीक है, तो 120 यूनिट आ गया भाई, 120 यूनिट आपका बिल महीने में आ रहा 30 दिन में, लेकिन यहाँ लिखा है रेट ऑफ एनर्जी इज 2 पर यूनिट, एक यूनिट कितने रुपए का है 2 रुपए का, तो ये 120 यूनिट आ रहा है, तो एक यूनिट 2 रुपए का, तो 120 यूनिट कितना होगा, 2 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे है ना, अरे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 240 यूनिट आ जाएगा, क्यों आ गया 120 इंटू 2, अरे कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो उस नंबर का डबल लिख दो, 120 का डबल 240 होता है, 2 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर का आधा लिख दो, सीधी बात 200 2 2 4 2 1 2, ठीक है क्लियर हो गई। तो यहाँ पे एक चीज़ गलती मत करिएगा, यहाँ पे रुपीज़ लिखिएगा है ना, तभी आपको सही नहीं, वरना कुछ आपने लिखा नहीं, खाली 240 कहेंगे, 240 क्या, 240 मीटर, 240 किलोमीटर, 240 सेंटीमीटर, 240 किलोग्राम, 240 लीटर है ना, कुछ पता ही नहीं, और ये सारी बातें थी नहीं वहाँ, क्या था 240 रुपए थे, तो इसलिए जो यूनिट हो वो ज़रूर लगाइएगा, हर न्यूमेरिकल में ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको बिजली का बिल निकालना आ गया, अभी आप जाके ट्राई करिएगा अपने घर में, देखिएगा कितने बल्ब हैं, सब गिनिए कितने वाट के हैं, पापा का दिमाग चाटिए, फिर उसके बाद करिए। ठीक है, थैंक यू।